पिक्चर चालू करो बे। चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। अंजना जी ये कह रहे हैं हम लखनऊ को घेर घार के दिल्ली बना देंगे, हिम्मत है इनमें? केरल में तो एपीएमसी मंडी ना है, एक मंडी ना है केरल में, ये घेर घार के बना देंगे तिरुवनंतपुरम को या केरल को दिल्ली बना देंगे। एक बात कान खोल के यहां सुन लिया जाए, तीन मुद्दे थे, कहां गए वो तीन मुद्दे? नहीं 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 सारंग के यहां कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई जुम करो। यही टिकैत साहब ने कहा था, मोदी जी ने ऐसा कानून बनाया है कि जो प्राइवेट लोग आएंगे वो आपकी जमीन। रुक तेरे को बताते तेरी माँ, थोड़ी मर्यादा रखिए। हम गुस्से में देख रहे हैं कि हमको नेता मुक्ति अभियान चलाना पड़ेगा। एक आध बार जिन लोगों ने यह पार्टी बनाई उनसे भी एक आध बयान दिलवा दो, एक दो का नाम तो बता दो। आप सवाल सोल्व कर दो, समित पात्रा जी इनको पता है सब, इनके जो लीडर हैं वे कहाँ हैं? मैं नहीं बताऊंगा। उनसे भी बयान दिलवा दो, बुजुर्ग आदमी हो गए उनसे भी बयान आ जाने चाहिए। राकेश जी अगर सरकार का ये दावा है, वो कहते हैं कि, और हम लोग भी दशकों से आपके साथ मुजफ्फरनगर अलग अलग जगहों पर हमने शो किया है, दशकों से किया आपके साथ, और आप हमेशा कहते थे कि बिचौलियों को निकालना होगा, क्या दलील है आपकी? रुको जरा सबर करो, ये जो बड़ी कंपनियां आ रही ये कौन है? हमने ये कहा कि एमएसपी पर आप गारंटी कानून बना दो, उसको बाजार खरीदते हैं, उसको सरकार खरीदते हैं, जिस चीज जिस लोग को व्यापार करना होगा वो उसके नीचे पर खरीद ना करे, ठीक है? लेकिन इनकी प्लान क्या है कि सस्ते में अनाज को लुटा जाए। चलिए मैं प्लान बताता हूँ। चुप जोकर कहीं का, ये देखे बोला बदतमीज आदमी। देश की धन दौलत को लुटा जाए, और दूसरा एक मिनट बात सुन ले भाई, रुक जा, कोई बीमारी है क्या? हमने ये कहा कि 1967 में देश में पहली बार एमएसपी पे खरीद हुई, एक जो प्राइमरी का टीचर था उसकी सैलरी थी 70 रुपया, ये लिख लेना भाई समित भाई, लिख ले कागज पे, फिर भूल लगा फिर कहेगा। गजब बेइज्जती है। एक महीने की सैलरी में वो एक क्विंटल गेहूं नहीं खरीद सकता था, ठीक है? जब हम भट्टे से ईंट लेने जाते थे एक क्विंटल गेहूं में हम 2500 ईंट लेकर आ जाते थे, ठीक है? समरिया सोने का भाव जो था वो 200 रुपए तोला था, हम 3 क्विंटल गेहूं बेच के 1 तोला सोना ले लेते थे, आप हमारा वो भाव दे दो भाई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप, अगर ताकत है आप में देने की, ठीक है? पार्टी खत्म होगी, जो इनके नेता हैं वे बंद कर रखे, ठीक है? इनको तो अपनी बात कहनी, और कहीं कुछ नहीं मिलता तो भाई यही बात कह लो, चैनल मिल गया तो बात कह लो, ये तो जैसे भट्टे पे मुंशी होते हैं ना, ये वे हैं। इनको कितनी पथेर हुई, कितनी लेबर को पैसा जाना, जोड़ा इनके काक में दे दिया, उसमें से कागज दे दिए, आपको बोलना है।